जो गैंगस्टर पॉलिटिशियन वाले जो लोग होते हैं, जो आपसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनसे कभी पंगे नहीं लेने चाहिए, लोगों का अक्सर मानना है। क्योंकि जब आप उनसे पंगे लेते हो या फिर उनके लिए कुछ नुकसान करते हो या फिर कुछ भी ऐसा करते हो जो उनको पसंद नहीं आता, वो या तो आपके परिवार वालों को मार देंगे या तो आपको अपने शहर से भगा देंगे। और आज हमने गलती से एक बहुत बड़े आदमी के साथ पंगा ले लिया है जो हमें नहीं लेना चाहिए था, और उसके सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको अभी भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई तो कृपया जिम ज्वाइन करके वर्कआउट करिएगा और कोर्सेस लीजिएगा, जैसे आप सीख सकते हो कि कैसे आप लड़कियों से बात कर सकते हो। फिर इस बात करने की एबिलिटी और ये आपके जिम के मसल्स और अपने अमेजिंग फैशन सेंस के साथ जितनी ज्यादा लड़कियों का आप डेट पे लेके जा सकते हो, उतनी ज्यादा लड़कियों को डेट पे लेके जाना। जितने ज्यादा लड़कियों का आप अपने गर्लफ्रेंड बना सकते हो, उनको बनाना, उनको मैनिपुलेट करना ताकि वो बोलते ना आपके प्यार के बिना रह नहीं सके, और फिर उनको इवेंचुअली बोलना वेक को सब्सक्राइब करो, उसके सारे वीडियो देखो, हमारे रिलेशनशिप इसी से बेटर होगा। इसे मेरे चैनल का नाम और मेरे चैनल की फीमेल डेमोग्राफिक दोनों बढ़ेगी। धन्यवाद। हम स्पॉन होते हैं और आज का दिन थोड़ा सा डार्क है, तो चलो निकलते हैं और करते हैं काम हमारे रशियन गैंगस्टर के लिए जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है। जाने के टाइम पे मेरे को एक बंदा दिखता है और ये वही बंदा है जिसने पिछली वीडियो में हमको $100 ऐसे ही फुकर दे दिए थे क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है। वह उसके पास इतने ज्यादा पैसे कि अभी वो गांजा फुक रहा है और उसको और गांजा चाहिए, तो इसलिए हम उसकी मदद करने वाले हैं। मैं एक वैन लेता हूं उसको पिकअप करने और पीछे का डोर उसकी साइड रखता हूं, बट वो फिर भी आगे आके बैठता है, जिसका दो ही अर्थ हो सकता है। या तो समझता है कि मैं किडनैपर हूं और पीछे बैठूंगा तो उसको किडनैपर वाली फीलिंग आएगी जो उसको नहीं चाहिए, या तो अगर मैं पीछे बैठूंगा तो उसको लग रहा है मैं ड्राइवर ऐसा, उसको मेरी फीलिंग आएगी और मेरी फीलिंग को बचाने के लिए वो आगे बैठा है। सेफ टू से दोनों मुझे नहीं पसंद आया, दोनों में मैं पावरफुल पर्सन हूँ जो उसको पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे दोस्त मुझे नहीं रखने। साला मेरे को पावर फील करने का मौका ही नहीं देगा बोसड़ी का, वो किसी ब्लैक लोग से डील करते हैं। वेल ऑफकोर्स अगर आप ड्रग्स डील कर रहे हो तो अमेरिका में आप ब्लैक लोग से डील करोगे। दिस नॉट अ रेसिज्म, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल असम्पशन। और फिर हम उसको घर पे ड्रॉप करते हैं, इट्स लाइक या थैंक यू ब्रो, ये ले $200। ये कैसा शहर है? तो किसी रशियन मॉबस्टर के बेस्ट फ्रेंड को पूरे कंस्ट्रक्शन साइट से चेस करके फाइनली उसकी जान लेने का और एक बंदे को ड्रग्स डील करने में मदद करने के जो पैसे है वो आपको सेम मिलते हैं। ये शहर की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत क्वेश्चनेबल है। मुझे कॉल आता है रोवन का जो मुझसे बात करना चाहता है, बट सिंस मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है मैं मिड वे उसका कॉल काट देता हूं। फिर मैं जाता हूं एक बर्गर लेने, जब ये बंदी पीछे झाड़ू मार रही है, लाइक मुझे समझे नहीं है यहाँ पे जहाँ पे बोलते ना आप बर्गर खरीद सकते हो वहां ये बंदी झाड़ू क्यों मार रही है, तो मैं झाड़ू उसके हाथ से नॉक कर देता हूँ ताकि उसको भी रियलाइज हो जाए कि वो एक गलती कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते ना रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स अ रिलीजियस साइन जो उसने मेरे को थ्रो किया, वेरी गुड एंड या इंटरेस्टिंग सिटी आई लिव इन। ना हम जाने वाले हो रशियन गैंगस्टर के पास, जो एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और बहुत ज्यादा बंगले टाइप है, ये बहुत ज्यादा अमीर इलाका है। तो बोलते ना बेसिकली बोलते ना यहाँ का बैंड्रा है शायद ये, बट एनीवे ये बहुत ज्यादा अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं और हम लोग जाने वाले हैं, और इसके घर ऑफकोर्स सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में। जाएंगे टाइम पे ऑलरेडी दो औरतें उस घर से भाग रही है, सो आई थिंक उसका फीमेल चार्म आपसे तो कम ही है। मैं ऑल्सो डिस्कवर करता हूँ कि यहाँ के जो ट्रैश जो बैग्स है वो अंदर से खाली है, उसको आप गिरा सकते हो। Like I'm not kidding, ये जो भी बैग है वो अंदर से खाली है, और जो एक्चुअल में अंदर से भरा है जिसके अंदर एक्चुअल में थैली है, वो थैली अंदर ग्लू से चिपकाई गई है जिसको आप निकाल नहीं सकते। Safe to say this is actually interesting. मजा आ रहा है। मैं जाता हूँ, इन लोग दोनों आर्ग्यू करते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आया कि रशियन लोग आर्ग्यू आपस में क्यों करते हैं, लाइक कम्युनिज्म ब्रो साथ में रहो तुम लोग, बट एनीवे जान दो हम लोग का वो कंसर्न नहीं है। एंड दे लाइक ब्रो तू बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा है, एंड दिस रेड गाइस लाइक ब्रो आई लव यू, कोई नहीं मैं और एक बंदे को जाके मारूंगा। यार मैरिज काउंसिलिंग की इनको सख्त जरूरत है बैंचो। इसका जो दूसरा भाई है डिमिट्री, वो हमको कहता है कि चलो हमको साथ में जाना है, तो जो बंदा हेड है हम उसकी गाड़ी चुरा के भागते हैं, बिकॉज वेल हमको उसका काम करना तो उसकी गाड़ी लेनी पड़ेगी। उन लोग अपेरेंटली किसी शॉप में जा रहे हैं जिसके बेसमेंट में अश्लील फिल्म बन रही है, एंड आई एम नॉट किडिंग एक्चुअल अश्लील फिल्म बन रही है, तो हम लोग जाके पूछने लगे तू हमको पैसे क्यों नहीं मिल रहा और अभी तक तूने डीवीडी क्यों नहीं दी। जाएंगे मैं गलती से डिमिट्री को धक्का देता हूं, तो घूम के नीचे गिर जाता है, उसको बहुत ज्यादा लगता है, वो वहां पे खड़े रहते हैं नीचे लाइक हे वॉच योर स्टेप, और मेरे को 2 सेकंड के लिए स्टेयर करता है और फिर वो आगे बढ़ता है। इतनी खतरनाक माफिया है, वाओ। हम लोग आते हैं एंड आई एम लाइक ब्रो क्या वो अंदर अश्लील फिल्म शूट कर रहा है, बाहर वाला बंदा लाइक ब्रो नहीं कर रहे 100% नहीं कर रहे, और हम लोग अंदर जाते हैं, लाइक हम लोग तुमको पैसे देने ही वाले थे, तो डिमिट्री बोलता चलो इनसे कन्विंस करते हैं हमको पैसे देने के, और हमको पता चलता है कि अलग अलग लेवल की धमकी क्या है। एक बंदे को आप गन पॉइंट तो तभी वो सारे सच बक देते हैं, और दूसरा बंदा इसलिए ब्रो तू मस्त दिखता है तेरे को, मैं बोलता ना फिल्म में लेना चाहता हूँ, तो हम उसके पैर पे मार देते हैं, बिकॉज वो एक्चुअल में पहला एक्टर था, और सिर्फ उसके पैर पे लगा तो वो हम बोलते ना एक्टिंग नहीं कर पाएगा, तो हम उसे रिप्लेस कर पाएंगे। जो पैसे चाहिए वो ले लेते हैं, और इसमें से 2 लोग को तो हमने नॉकआउट कर दिया, तीसरा बंदा इसलिए मेरे को नहीं मरना यार मैं स्पेशल हूँ, या यू आर गोइंग टू बी स्पेशली एबल्ड आफ्टर आई पॉप योर नी कैप योर फकिंग टाइम। डिमिट्री मेरे को लेके जाता है एमुनेशन में, और नाउ आप जिन लोगों ने गेम खेली नहीं है यहाँ का एमुनेशन का सिस्टम अलग है, यहाँ पे सारी गन्स जो है बेंच पे रखी रहेगी, आपको जाना है उड़ी नहीं मारनी जैसे मैंने मारा बिकॉज आई एम रिटार्ड, आपको जाना है वो गन ऐसा इंस्पेक्ट करेगा मतलब देखेगा कैसी दिखती है, और फिर उसको खरीदना और जितना आपको पैसे खर्च करने फिर उसके ऊपर कर सकते हो। इवन तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट ये इस गेम को यूनिक है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैं खरीदता हूँ एक बेसबॉल बैट, डिमिट्री को वापस घर पे ड्रॉप करता हूँ, और बोलता है चलो एक कॉमेडी क्लब जाते हैं, कॉमेडी क्लब वो टाइप का कॉमेडी क्लब जो भैरों के लिए है, ये लोग साले कॉमेडी क्लब के नाम पे
पे क्या क्या करते हैं यार, यहाँ पे उसकी पहचान बहुत ज्यादा है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके में भी कॉमेडी क्लब हो। नाउ आई अंडरस्टैंड 2024 में कॉमेडी क्लब खोलने का भी फायदा नहीं है। लाइक मेजोरिटी ऑफ जो लड़कियां वहाँ पे आएगी झोंक मारने के लिए, उन लोग लड़कियां हैं, इनके स्मॉल पीपी वगैरह पे झोंक मारेंगे। और फिर जो लड़के आएंगे उन लोग बोलते ना लड़कियां हैं, बोलते ना लड़कियां कैसे आपको धोखा देते हैं उस पर झोंक मारेंगे, तो उतना कुछ फनी नहीं होने वाला है। ये रशियन माफिया कॉमेडी क्लब में हैंग आउट करती है, इटालियन माफिया जनरली स्ट्रिप क्लब के वहाँ हैंग आउट करते हैं। अगर हम लोग गलती से भी बोलते ना, अगर कोई गेम निकले जिसमें इंडियन माफिया रहेगी, आई एम प्रीटी श्योर हम लोग वड़ा पाव वाले जो सेंटर है उसके बाहर हैंग आउट करने वाले, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। जो हेड है उसका नाम है मिखाइल फाउस्टिन, मिस्टर फाउस्टिन। डिमिट्रियस लाइक ब्रो हमारे पीछे पुलिस पड़ रही है, एंड मिखाइल लाइक ओ पुलिस पड़ रही है, मुझे लगता है इस बंदे ने कुछ कांड किया रहेगा तो उसको जाके मार के आओ। कितनों को मारेगा भोसड़ी के? हम जाते हो, मेरे को डिस्कवर होता है इस गेम का नहीं, इस पूरे सीरीज का बेस्ट फीचर टोल नाका। आपको रुकना है अपने टर्न के लिए, जो बहुत ज्यादा बोलते ना अच्छा रियल लाइफ टाइप एक्सपीरियंस रहेगा। आपको जाना है और गेट बंद होगी, फिर हम लोग 5 रुपए का जो कॉइन है उसको उस टोल नाके के इसके अंदर डालेंगे और वो गेट खुलेगा, वो बंदा बोलेगा थैंक यू हैव अ नाइस राइड और हम लोग वहां से चले जाएंगे। ये आजकल के बच्चे जो GTA 5 खेल के आए हैं ना, कि GTA 6 में रियलिज्म चाहिए, उन्होंने आज तक ये गेम खेली नहीं होगी, खाली रियलिज्म के नारे लगा रहे होंगे। एनीवे हम लोग आते हैं और ये बंदा एक सबवे स्टेशन में ना, जनरली जब आप एक हिटमैन वाला काम करते हो आपको स्नीकीली और साइलेंटली करना चाहिए ताकि बोलते ना किसी को पता भी ना चले। नीको जाता है एंड इज लाइक हे लेनी मिकेल फाउस्टिन को तू पसंद नहीं है और मैं तेरे को मारने आया हूं, एंड इज लाइक आई डोंट गिव अ शिट, और वो भागने लग जाता है। मैं कभी पर्सनली हिटमैन बना नहीं हूं, बट दैट हैज टू बी द वर्स्ट हिटमैन गिरी इन द हिस्ट्री ऑफ हिटमैन गिरी। लाइक व्हाट द एक्चुअल, तू जाके वो बंदे को बोल रहा है कि तू उसको मारने वाला है। लाइक आई नो मॉरल्स और एथिक्स नाम की चीज होती है, बट साला किसी को मारने वाले हो यार, पूरा स्टेशन को तुरी शक्ल दिख गई है। बट आई डोंट रियली केयर क्योंकि हमको किसी को मारने के मिलते हैं पूरे $500। आई एम प्रीटी श्योर मैं जाके उससे $200 एक्स्ट्रा मारूंगा बिकॉज ऑफ द स्पीच। मैं फाउस्टिन से वापस मिलता हूं, इज लाइक तू इसको जानता है? एंड आई एम लाइक नो क्यू, एंड इज लाइक वो मेरी बेटी है। स्मैश। एनीवे उसकी बेटी किसी बाइकर बंदे के साथ डेट करे जो उसको पसंद नहीं आ रहा, तो हम टैक्सी लेते हैं जो यहाँ पे अटकी है फॉर सम रीजन। एंड आई एम लाइक हे तेरे को पता है बाइकर गैंग कहाँ हैंग करते हैं? एंड चचा इज लाइक हाँ मेरे को पता है, तो चलो वहाँ पे लेके जाते हैं। फिर ये बंदा रिवर्स करता है, आई एम लाइक चलो ये अभी गाड़ी घुमा के लेके जाएगा, इतना रिवर्स में तो कोई भी गाड़ी घूम जाएगी। एंड देन चचा रिवर्स करते हैं और फिर डिक्की ठोक देता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमाता है। इसलिए मैं ससुराल से बोलूंगा जरा एक्सरसाइज करो अपने 30s में, गांजा कोक के नशा मत करो क्योंकि फिर ऐसा हाल होगा जब आप 60s में जाओगे। तो वो बंदा फ्लर्ट कर रहा था उस बंदी के साथ, एंड आई एम लाइक ब्रो उस बंदी से दूर रहे, और बंदा मेरे को बोलता है ये रशियन है और तू और हम कम्युनिस्ट नहीं है। साला ये क्या तरीका है बात करने का बे? वो दोनों में से वो लड़का जो उसके हेयर स्टाइल ज्यादा लंबी थी तो हम उसको चेस करते हैं और वो भागने लग जाता है, और एक कन्वीनियंटली प्लेस्ड बाइक यहाँ पे है, मैं उसका पीछा करता हूँ। फिर मेरे को रियलाइज आता है ओ मेरे पास एक Mac-10 है, और फिर मैं उसको पूरी तरह से शूट कर देता हूँ ताकि वो नीचे गिर के वहीं मर जाए। क्या मिलता है आपके बॉस की बेटी के बॉयफ्रेंड को मारने का? $600। नाइस। ये बाइक भी हमको मिलती है फ्री में बिकॉज वेल एक बहुत ज्यादा फास्ट बाइक है तो इसको हम रखने वाले हैं। और फिर एक बंदा हमारे जो ऑलरेडी अच्छी गाड़ी है उसके सामने हाथ ऊपर कर रहा था, यहाँ पे PT या फिर MD के एग्जाम नहीं चल रहे कि तो एक्सरसाइज करने वाले हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए मैं बेसबॉल बैट लेके मारता हूं। और हमको रियलाइज होता है कि इस गेम का भी बेस्ट वेपन बेसबॉल बैट है, आई थिंक पूरे GTA सीरीज का बेस्ट वेपन बेसबॉल बैट है। ये रशियन माफिया से थोड़ा हमको ब्रेक चाहिए तो इसलिए हम जाते हैं और हेल्प करते हैं लिटिल जेकब नाम के एक बंदे की, जो एक्चुअली एक ब्लैक बंदा है। और ब्लैक बंदे क्या करते हैं ना, आप अज्यूम करेंगे उन्होंने ड्रग्स डील करता है जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट अजम्पशन होगा, बट इन रियलिटी वो बिल्कुल भी रेसिस्ट अजम्पशन नहीं है क्योंकि वो हमको भी लेके जाता है एक ड्रग्स डील में। आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा वो ड्रग्स डील खराब जाती है, बट हम लोग सारे लोग को मार देते हैं। एंड आई थिंक अभी तक हमारा ड्रग्स डील का जो सक्सेस परसेंट रेट है वो 0% है, क्योंकि साला एक भी ड्रग डील बोलते ना सक्सेसफुल नहीं हुआ। यार ये क्या बात हुई, एक तो करो सक्सेसफुल। जिन लोगों ने हमको धोखा दिया हम उनके घर पे जाते हैं, एंड जेकब इज लाइक चलो जाके इन सबको मार देते हैं बिकॉज उन्होंने हमको धोखा देने की कोशिश की। एंड आई एम लाइक ब्रो जिन लोगों ने हमको धोखा दिया उनको हमने मार दिया ना, अभी क्या प्रॉब्लम है? एंड इज लाइक खानदान जब तक मरता नहीं तब तक नीयत नहीं मरती, कट्टा पक्का लेफ्ट गोटा साला। एनीवे यहाँ पे हम कवर फायर के मैकेनिक सीखते हैं, और ये पहला गेम था GTA का जहाँ पे कवर फायर वाला सीन आया था, जो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि वही इवॉल्व हुआ GTA 5 में और डेफिनेटली GTA 6 में भी वही आने वाला है। उसको घर पे ड्रॉप करता हूँ $200 के लिए, और फिर हम लोग वापस के घर पे जाते हैं, उसका बड़ा भाई हमको गले से पकड़ लेता है और हमको नीचे गिरा देता है। एंड इट्स लाइक ए यो वो आयो बाबा बाबा कुछ तो जमैकन भाषा में बात कर रहा था मुझे समझा नहीं। इसका नाम बैडमैन है, फॉर सम रीजन जो कपड़ा ये पहनता है वो ऑस्ट्रेलियंस की बोलते हैं ना पुरानी जर्सी थी ना क्रिकेट की, मतलब 1930s वाली वैसी लगती है, तो मैं फॉर सम रीजन इसको हमेशा ब्रैडमैन बुलाता हूँ। अरे दिखता भी डॉन ब्रैडमैन जैसी है, सर डॉन ब्रैडमैन जो क्रिकेटर थे वो। ओनली डिफरेंस इज अगर डॉन ब्रैडमैन वेस्ट इंडीज में बॉर्न होता, नहीं एक मिनट, ओनली डिफरेंस इज अगर डॉन ब्रैडमैन अफ्रीका के एक ऐसे देश में बॉर्न होता जहाँ पे खाने को नहीं मिलता है बिकॉज वो नाल नरिश है बुरी तरह से। एंड ऑल्सो डॉन ब्रैडमैन हाई ऑन गांजा, आई थिंक डॉन ब्रैडमैन बहुत हाई ऑन गांजा इसलिए वो इतने रन बना पाया। एनीवे हमको एक सिंपल जॉब करना हुआ किसी डीलर को बोलते ना फॉलो करना, बिकॉज उन लोग उनके इलाके में डील कर रहे जहाँ पे जेकब वगैरह डील करते हैं। एंड फॉलोइंग इज माई पैशन, आई मीन फॉलोइंग मतलब आई एम फॉलोइंग माई पैशन मतलब किसी को पीछा करना वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आता है। मेरे दो भाई का कॉल आता है जिसको मैं उठाता हूँ, एंड इज लाइक डू वांट टू शॉट सम पूल, तब मैं बोलता हूँ नहीं, और वो बंदा सुन लेता है वो वहाँ से भाग जाता है।
इन रियल लाइफ आई थिंक ये हमको संभालना पड़ेगा, बिकॉज आपको किसी को फॉलो करने के टाइम पे ये सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज बोलते ना उनको फिर आइडिया गिर जाता है आप उनको फॉलो कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू एक्ट नॉर्मल और उनका आराम से पीछा करने का, ऐसा दिखाने का कि आप वही जा रहे हो जहाँ पे वो जा रहे हैं, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। अब अंदर आता है किसी बंदी को नीचे गिराता है, उसको उठाने की जगह नीचे उसके ऊपर से जंप मारता है, तो लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन में ओलंपिक में गोल्ड तो आपको मिल ही जाएगा। हम जाते हैं सबको मारते हैं और जो लास्ट बंदा जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे उसको मैं मारता हूँ एक बेसबॉल बैट से। आप सोचोगे अननेसेसरी, मैं बोलूंगा डोपामिन के लिए हम कुछ भी करेंगे, एटलीस्ट मैं इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक स्क्रॉल नहीं कर रहा, नो वेट, हम एटलीस्ट मैं बना नहीं रहा ये सब। मैं सोचता हूँ भैया रोमन से बहुत टाइम से मिला नहीं एंड वो किसी बंदे के साथ हैंग आउट कर रहा है जिसका नाम है ब्रूसी, ये बोलते ना एक्सरसाइज वर्कआउट करता रहता है एंड इज लाइक यो हमको प्लेयर्स है, हमको VIP है, हम लोग बीच वगैरह करेंगे वगैरह वगैरह, एंड आई एम लाइक बेसिकली एंड्रू टेट ऑन स्टेरॉइड्स, ठीक है सस्ता टेट, यू नो व्हाट, टेट नहीं बोलेंगे इसको, टट्टेश्वर बोलेंगे क्योंकि टट्टे जैसे ही दिखता है। टट्टेश्वर से आपकी मदद करने का टाइम पे एक बंदा आके मेरे को गाड़ी ठोकता है एंड इज लाइक यो यू हैव अ प्रॉब्लम, मैं बेसबॉल बैट लेके उसको दिखाता हूँ, वो एकदम शांत खड़ा रहता है, तो उसको एक बार मारता हूँ ताकि वो बोलता है उसको समझ जाए कि मैं एक्चुअली पावरफुल इस सिचुएशन में और फिर भी कुछ करता नहीं है। फिर मैं उसकी गाड़ी में जाके बैठता हूँ एंड इज लाइक ला 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 ला, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इन लाइफ। लाइक रिटार्डेशन की भी एक लेवल होती है भैंचो, बेसिकली उन लोग बोलते हैं कि इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट कैफे है यहाँ पे जो बोल जाए सही है, एक लेफ्ट साइड पे जो डब्बे वाले जो कंप्यूटर है वो सब लेफ्ट साइड पे पड़े हुए हैं और राइट साइड पे जो मॉडर्न टाइप कंप्यूटर्स है उन लोग सब राइट साइड पे पड़े हुए हैं ब्लैक कलर के पतले मॉनिटर वाले, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा कॉर्नर पे चेक करता हूँ, कॉर्नर पे एक बंदा ऑलरेडी अश्लील फिल्म देख रहा है तो हम सबसे दूसरे सबसे ज़्यादा कॉर्नर पे जाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं यार, मतलब इमेजिन करो आपको आके देखना है अश्लील फिल्म कितना ऑकवर्ड होगा, आप देख भी नहीं पाओगे, एटलीस्ट हमारे जमाने में हम देख तो सकते हैं। बट स्कूल टू सी की 2008 में बोलते ना इंटरनेट कैफे वगैरह थे जिसको उन्होंने प्रॉपरली अप्लाई किया है और प्रॉपरली दिखाने की कोशिश की है जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा सही है। मैं कुछ लड़कियों को डेट के लिए बोलते ना इनवाइट करता हूँ एंड देन मैं वहाँ से निकलता हूँ एंड शी इज़ लाइक कम अगेन रोमन्स कजिन, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लाइक इवन इन माई रियल लाइफ यू नो मेरी जो एक्चुअल सिस्टर है वो टॉपर है, तो जब मैं स्कूल वगैरह जाता था तो लोग जनरली मेरे को रेफर करते थे, अरे तू उसका भाई है ना, और मैं खुद टॉपर था तो साला मेरे को किसी ने ढंग से रेफर ही नहीं किया। जब तक मेरा खुद का नाम बना तब तक मेरा साला काम बिगड़ गया क्योंकि मैं लास्ट बेंचर के साथ बकचोदी करने लग गया, जिस वजह से लोग मेरे को मेरे नाम से भी जानने लगे, मेरी बहन ने स्कूल भी छोड़ दिया एंड तब तक मेरे बारे में अलग अलग न्यूज़ भी फैलने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जो आपके सेम स्कूल में जाते हैं तो उनके नाम से अगर आपको पहचानते रहेंगे तो बैक बेंचर बन जाइएगा। मैं आता हूँ मिखाइल फाउस्टिन के हाउस पे और एक बुढ़ी औरत चल के जा रही है ना, वो उस डायरेक्शन में चल रहे जहाँ पे डेड एंड है, तो मेरे को देखना है कि एग्जैक्टली वो कहाँ जा रही है और वो क्या करने वाली है। दिस ओल्ड वुमन मैन वो हमेशा आपको बोलते ना ट्रिक करने की कोशिश करेंगे और फिर मैं एक साइन देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा अजीब है और फिर मैं वापस उस पर फोकस करने लगता हूँ, जो क्वीन विक्टोरिया की तरह दिख रही है, क्वीन जो एलिजाबेथ है उसकी तरह दिख रही है और फिर वो यू टर्न मारती है। मैं उसको इतना नाम इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं देखना था क्या इंटरेस्टिंग करते हो, बट ये भैंचोद ये आ रही है सली इवनिंग वॉक के लिए, निकल निकल हट हट हट, और फिर वो नीचे गिर जाती है एंड फॉर सम रीजन इसका एज गायब हो जाता है और ये बंदी भागने लग जाती है। अबे उसेन बोल्ट की लेफ्ट लेग पे लगी हुई दाग कहाँ भाग रही है और क्यों भाग रही है, उम्र देख मर भी जाएगी, कोई उठा के लेके नहीं जाएगा तेरी लाश को। हम आते हैं एंड आई एम लाइक मिखाइल फाउस्टिन घर पे, शी इज लाइक नो ब्रो मैं उसकी वाइफ हूँ और वो मेरे को चाय देती है, अ टी डेट विद योर बॉसेस वाइफ हाउ अमेजिंग। फिर मिखाइल फाउस्टिन आता है एंड इज लाइक तू चाय पी रही है, हट निकल यहाँ से पागल औरत। लाइक इन रियल लाइफ अगर मेरे को चाय पिलाने वाली मिल गई ना यार भाई सेट है, फिर वो कितनी भी अबूसी आई थिंक चल जाएगा, चाय अच्छी बनाती होगी ना भाई, विषय संपला भाई, उधर ये बुक है भाई शादी कर लो। ये बोलते हैं ब्रो इधर के ट्रक मेरा पिकअप करना है, तो हम ट्रक को पिकअप करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं, ब्रो क्या करना है इस ट्रक के साथ, एंड इज लाइक ब्रो हाँ देखो पता मेरे जो एनिमीज है उसके जो वैसे गराज है हाँ इस ट्रक को जाकर उस गराज में डालना है क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब है, तो मैं एक बॉम्ब वाले ट्रक को लेकर टोल नाके पे जाता हूँ और वह ऑलरेडी टिक कर रहा है बॉम्ब बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। उस बीच में टोल नाके के सामने दो लोग को आपस में लड़ना है बिकॉज उन लोगों का डिवोर्स हो रहा है और उन लोग साथ में एक जगह पे जाना नहीं चाहते। सेफ टू से मैं पुलिस वाले के सामने उनके ऊपर से गाड़ी चला के ले जाता हूँ अपना टोल भरने के बाद और फिर मैं गाड़ी को जाके उस बोलते ना गराज के अंदर पार्क करके जब मेरे पीछे पुलिस पड़ी बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट, मैं बॉम्ब को ट्रिगर करके भागता हूँ, पुलिस वाले देखते हैं ओ एक बंदा वहां से दूर भाग रहा है और उसके बाद ओ ये गराज पूरी से फट गया और ओ एक गाड़ी भी उल्टी हो गई, हाँ डेफिनेटली इस बंदे की गलती नहीं है, डेफिनेटली एक शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा। मैं वापस निकल रहा था और फिर मेरे को दिखता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग, कचरे की वैन। नाउ GTA San Andreas तक तो कचरे की वैन में पीछे लोग खड़े नहीं रहते थे, इसी गेम में वो फीचर चालू हुआ, GTA 5 में भी ये फीचर है, बट वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कचरे की वैन सिर्फ सुबह आती है और यहाँ पे पीछे दो लोग खड़े हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसा होता है ना अलग अलग टाइप की व्हीकल देखना, और फिर मेरे को रियलाइज होता है यू नो व्हाट एक को धक्का दे देते हैं, मैं एक को धक्का देता हूँ तो पूरे कचरे के सारे जो वैन के अंदर थे सारे के सारे भाग जाते हैं। लाइक मेरे को पता है रशिया कम्युनिज्म एंड ऑल, बट सारा साथ में तो मत डरो। हम जाते मिलने इस टट्टेश्वर साहब से एंड टट्टेश्वर ब्रूस इज लाइक ब्रो मेरे पास बहुत ज़्यादा मसाज है एंड नीको इज लाइक ब्रो मेरे पास चाकू है तेरे गले में डाल दूंगा मैं अभी के अभी, वो कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी चुराओ, तो हम लोग 911 को कॉल
करते हैं, बोलते पुलिस वाले को आने को, और जब मैं पुलिस की गाड़ी खोलने जाता हूँ देन इज लाइक ओके यू आर अंडर अरेस्ट, तो मैं उसको चकमा देने के लिए ना घूम के आता हूँ, इट्स लाइक उसको यहाँ पे बुलाएंगे और फट से घूम के उसकी गाड़ी चुरा लेंगे। उसका दूसरा बंदा हमारे सामने आता है और उनका अरेस्ट करने जाता है, तो मैं उसकी गाड़ी के ऊपर से कूदता हूँ और एंटर करने के टाइम पे वो बंदा मेरे को अरेस्ट कर लेता है। मैं इस गेम में जितनी बार मरा नहीं हूँ ना उससे ज्यादा टाइम अरेस्ट हुआ। राउंड टू, पुलिस की गाड़ी सायरन बजा बजा के आती है और इतने शांत नेबरहुड में मैं अकेला खड़ा हूँ, देयर लाइक ओ किसने बुलाया हमको, हमका दिक्कत नहीं रही कि कौन बुलाया हमको, देखते हैं कौन बुलाया हमको। और वो अपनी गाड़ी को अनलॉक करता है, मैं इमीडिएटली सोचता हूँ गाड़ी को लेने के लिए, बट डर लग रहा है तो मैं जाके ट्राई करता हूँ गाड़ी को चुराने का। मैं उस मोटे पुलिस वाले को बाहर निकलता हूँ एंड देयर लाइक ये स्टॉप पुलिस हैंड्स अप, और तब मैं एक्सलेट कर लेता। What will a fat guy do, bro? Go and see it fucking vada pav? No, right? इसमें एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है जहाँ पे आप पुलिस की जो कंप्यूटर है उसमें आप लोगों को सर्च कर सकते हो अपने नाम से, तो हम उस बंदे को सर्च करते हैं जिसको हमको ढूंढना है और हमको पता चलता है वो रहता कहाँ पे। Now, don't ask me कि exactly क्यों मेरी पुलिस की गाड़ी उल्टी थी, बट आई थिंक आपको पता है मेरी पुलिस की गाड़ी क्यों उल्टी थी। हम जाते हैं एंड आई एम लाइक ब्रो ब्रूसी से तेरे को बात करनी है, वो बंदा बोलते ना वॉशरूम से कूद के भाग जाता है। नीको को या तो बोलते ना डायरेक्ट मारना पड़ेगा लोगों को, या तो लोगों से बात करनी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इन लोग साले हर बार भाग जाएंगे। मैं उसको फॉलो करता हूँ इन अ ग्रीन कार जो आई अज्यूम मारुति की अर्टिगा है, आई एम नॉट श्योर इनोवा लग नहीं रही है ये, और उस वो चेस के बीच में मेरे को टोल भरना पड़ता है बिकॉज आई एम अ गुड सिटीजन, आपको भी टोल भरना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं फाइनली इस बंदे को कैसे कैसे करके स्टॉल कर देता हूँ और उसके मुंह पे शॉटगन मार देता हूँ खुली सड़क में। क्या मिलता है आपको किसी के मुंह पे शॉटगन मारने का खुली सड़क में? वेल $3,500। नाउ दैट इज मनी, दैट इज प्रॉपर मनी इन माई ओपिनियन। हम जैसे ब्रूस टट्टेश्वर से मिलते हैं, इज लाइक ब्रो मेरा हाथ दुख रहा है कितना मार रहा हूँ मैं लोगों को, एंड आई एम लाइक ब्रो मैं तुझे मार दूंगा जान से अगर तू वापस ऐसी हरकत किया तो। वो कहता है जिस बंदे को आपने मारा उसकी गाड़ी चुरानी होगी, और उसकी गाड़ी में जाके बैठते और उसके जितने भी दोस्त थे वो लोग हमको मारना चाहते हैं। नाउ मेरे को लगा नहीं था ये मिशन इतना डिफिकल्ट होगा, बट फॉर सम रीजन मेरी गाड़ी चलाने की जो स्किल है वो जीरो हो जाती है सडनली, और ये बंदे पिस्टल और मैकटेन से हमारा पीछा करके मिलते ना मेरे को जितना हो सके उतना ज्यादा मारते हैं, बट इवेंचुअली मैं पहुंच जाता हूँ। और अब गाड़ी की हालत देख के बता सकते कि मैं कितना ज्यादा अच्छी तरह से पहुंचा हूँ, और मेरी हेल्थ देख के बता सकते कि मेरे कितने ज्यादा लौड़े लगे पड़े। मिशन पास $3,500 ना, इवन दो ये मिशन पे मैं मर रहा हूँ बेसिकली, पैसे बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से। मैं अपना रेगुलर कैरी इनटेक कर रहा हूँ बिकॉज बल्किंग सीजन चालू है मेरा, और फिर जाके मिलता हूँ डिमिट्री से। ही इज लाइक ब्रो मेरा जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और अभी हम उसको मारना पड़ेगा, नहीं तो जो चीज है वो हाथ से चली जाएगी। एंड आई एम लाइक ओके आई हेल्प, तो हम कॉमेडी क्लब में जाते हैं एंड आई एम लाइक ब्रो अब तेरे को मारने की बारी आ गई है, तू एक नंबर का चूतिया है। एंड इज लाइक ब्रो मेरे सामने जो दो लोग खड़े हैं उनके पास गन्स है, बट इन लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास है मैक 10। लाइक मैक 10 मेरे मानना है कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी थिंग है एक मर्द के लिए। लाइक लड़की बड़की गर्लफ्रेंड किसको चाहिए, यहाँ ज्यादा ट्रस्टवर्थी मैक 10 है जो काम होगा तो अच्छे से चलेगी और आपको इमोशनल सपोर्ट ऑफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो कंप्लीटली ब्रोकन है, आपसे चीट भी नहीं करेगी। मैं उस मैक 10 से मिखाइल को मार देता हूँ एंड फाइनली रशियन माफिया का जो बॉस है वो मर चुका है, वो पूरी तरह से डेड हो चुका है, और आई थिंक रशियन माफिया का हमारा जो कहानी है वो यहीं पे खत्म हो सकती है। मैं सोता हूँ बिकॉज किसी को मारने के बाद 8 घंटे की स्लीप मिलना बहुत ज्यादा आसान है, और जाके मिलता हूँ डिमिट्री से जिसने हमको कहा कि वो हमको पैसे देने वाला है। ना हमारा दोस्त जो था जेकब इज लाइक ब्रो इन लोग बहुत ज्यादा शाने लोग रशियन लोग थोड़ा संभाल के रहना, तो वो हमको ज्वाइन करते हैं इस एडवेंचर में बोल के कि भैया देख इन लोग थोड़े से सस्पिशियस है, इन लोग तेरे को मार देंगे क्योंकि इनका काम हो गया, तो मैं तेरे हेल्प करूंगा। डिमिट्री मेरे को एक खाली वेयरहाउस में बोला था ना, लाइक डेफिनेटली नॉट सस्पिशियस कि एक रशियन बंदा मेरे को खाली वेयरहाउस में बुला रहा है। फिर डिमिट्री बोलते हैं कि किसी रशियन बंदे के लिए याद है तूने काम किया था बहुत टाइम पहले जहाँ पे उसकी शिप डूब गई थी, 15 लोग गिर गए थे, 12 मारे गए थे और 3 बच गए थे जिसमें से एक तू बचा था, मैं उस बंदे को यहाँ पे लाया हूँ। वो हमसे पैसे मांगता है, लाइक हमारे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, और फिर लाइक किल हिम कोई काम का नहीं है ये मार डालो इसको। और फिर नीको एक रिवर्स हेडबट देता है जो एक्चुअल में स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इतना बहुत ज्यादा स्टूपिड दिखा मेरे को, बट इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। एक बहुत बड़ा शूटआउट होता है जहाँ पे अगेन मेरा मैक्टर मेरे को साथ देता है, लाइक ये चीज बोलते हैं ना इमोशनल सपोर्ट भी देती है, ये गोल्ड डिगर भी नहीं बन सकती, ये चीट भी नहीं कर सकती, कितनी ज्यादा सही गर्लफ्रेंड बनेगी यार ये, आई वॉन्ट माई गर्ल लाइक आई वॉन्ट अ मैक्टर। अब पुलिस की गाड़ी लेके एस्केप करते क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, एंड निको मेरे को बोलता है कि देख यहाँ से निकल जा क्योंकि रशियन गैंगस्टर तेरी गांड मारने वाले हैं। जाने के टाइम पे मेरे को दिखता है एक स्कूटी, और ये मेरे को पहली बार स्कूटी दिखा, एंड ऑल्सो GTA 3 में स्कूटी नहीं थी, तो मैं स्कूटी को वाले बंदे को खींच देता हूँ और स्कूटी पे बैठता हूँ जो एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी आई गेस आई डोंट नो, बट हम इसको लेके जाते हैं रोमन से मिलने। रोमन अटका है अपनी गाड़ी के डिक्की में, इज लाइक ब्रो कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तो हम लोग उसको बोलते कि हम जल्द से जल्द शहर से निकल जाते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे जान के पीछे पड़े हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा हमको निकलने के लिए और एक बहुत ज्यादा इमोशनल सिचुएशन है। रोमन हमारे पीछे बैठते हैं हेलमेट लेके, फॉर सम रीजन टेडी बेयर जैसा दिख रहा है वो, और हम निकलते हैं। बात करने के बीचों बीच एक SUV हमको ठोक देती है और मेरा बंदा हेड फर्स्ट नीचे गिरता है, आई एम प्रीटी श्योर हमारा
नेक टूट गया रहेगा इस पॉइंट पे और हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होगी और मेरे को रोमन दिख नहीं रहा है। गाड़ी हटते हैं, रोमन इज लाइक या व्हाटएवर, बैठता है और वापस हेलमेट डालता है। सेफ्टी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं लोग। हम वापस आते हैं और हमारा घर पूरी तरह से जल चुका है और रशियन लोगों ने इस पूरे घर को जला दिया है और लोग उसके सामने से ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। घर का डोर भी उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया तो बहुत ज़्यादा शाने लोग इन लोग, बट हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो उन लोग हमें मार देंगे। यहाँ पे मेरे को टफ चॉइस करनी पड़ती है, या तो मेरा स्कूटी या तो मेरा बाइक, तो इसलिए हम बाइक सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमको फास्ट टर्म फास्ट जाना है। मैं अपने छोटे बाइक को भी बाइक बुलाता हूँ क्योंकि वो फास्ट टर्म फास्ट आता है। हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग रोमन की कैब कंपनी में जाके देखते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो वहाँ पे तो बाकी रहेगा, और उन्होंने उसको भी पूरी तरह से आग लगा दी है। उन्होंने हमारे बिजनेस को भी आग लगा दी है, उन्होंने हमारे घर को भी आग लगा दिया है और हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है और हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। नसीब से जो लड़की है मैलरी, जिसने रोमन पे चीट किया था, उसका कजिन के पास एक घर है जो बोलते हैं ना शहर के बाहर किसी आइलैंड पे है, तो हम वहाँ पे जाते हैं। रोमन उससे बात करता है और इमोशनली मैच्योर मोमेंट में भी हमको टोल भरना पड़ता है। ये दिखाता है कि लाइफ आपके लिए रुकेगी नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी जीती रहनी पड़ेगी जैसे जीना है। आपको रेगुलरली टोल भरना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके लाइफ में कितना बुरा हो रहा है या कितना अच्छा हो रहा है, आपको टोल भरना ज़रूरी है। सी दिस इज कॉल्ड रियलिज्म। हम आते हैं उस जगह पे जहाँ पे रोमन एक बार नीचे गिर जाता है एंड वो फिर भी बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिकली खड़े होता है। तो मैं सारी चेक कर रहा था उसका विल पावर कैसा है आफ्टर लूजिंग हिज बिजनेस एंड हिज होम, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अभी भी हेलमेट पहनता है अपने आंसू छुपाने के लिए। हम गाड़ी पार्क करते हैं और ये है हमारा नया घर। हम अंदर आते हैं और डेफिनेटली हमारे पुराने घर से बड़ा और ज़्यादा बेटर है, बट हम लोग बिल्कुल भी मेंटली अच्छी जगह पर नहीं है। और मैलरी आती है और रोमन को पप्पी पप्पी देती है और मेरे को कुछ भी नहीं बोलती, मेरे को खाली बोलती है इट्स नाइस टू सी यूर लाइफ। नीको डेफिनेटली इस चीज़ से बोलते ना खुश नहीं है। मैलरी से मैं यहाँ पे बड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ के लोगों को जानती हूँ, तुमको नौकरियाँ दे सकते हैं और जिस वजह से तुम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते ना फायदा होगा, तो मेरे से आके बात करना बाद में मेरी नौकरी के यहाँ पे तेरे को कुछ नए जॉब्स मिलेंगे। और रोमन को और दो तीन पप्पी देती है एंड इट्स लाइक फकिंग क्या नसीब है यार, इस मोटे ने पुल कर ली मैलरी को और मैं किसी को पुल नहीं कर पाया। और नीको गुस्से में अभी भी वैसे खड़ा है, वो बोलते हैं ना जो गुस्से में थे वो छोटे बच्चे से लेफ्ट पैर से ऐसे करते हैं वही करता है, क्योंकि उसने उसको किसी ने पप्पी नहीं दी और इसको आके उसकी बंदी ने पप्पी दे दी। क्योंकि मैं समझता हूँ एक आदमी कितना लोनली फील करता होगा जब उसको पप्पी नहीं मिलेगी। रोमन को मैं बोलता हूँ बाय, वो हाथ मिलाना चाहता है, बट अगेन मैं किसी ऐसे बंदे से हाथ नहीं मिलाऊंगा जिसको अभी जस्ट पप्पी मिली एक लड़की से। एंड आई गेस ये हमारा नया नेबरहुड है, हम यहाँ पे रहने वाले हैं और हमको भगा जाए रशियन माफिया ने हमारे खुद के घर से दूर। नहीं नहीं मैं थैंक यू वॉचिंग इस वीडियो, सडनली इमोशनल टर्न हो गए पूरे सिचुएशन में और हम लोग यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा मैं आपको, तो अगली वीडियो में तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहने काम पे लगे रहे। पीस आउट।